हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास सिक्स इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर फर्स्ट द पेंडोरास बॉक्स के बारे में देखा था। आप लोगों को पता है पेंडोरास बॉक्स क्या होता है? भानुमति का पिटारा, जिसमें क्या होता है, सिर्फ आशाएं ही आशाएं होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि एक लड़की है कैंडी जेन, 11 ईयर्स ओल्ड। वो क्या करती है, वो भानुमति का पिटारा, उसके पापा उनको बोलते हैं कि पेंडोरास की क्या बोलते हैं कि कैंडी जेन यू आर भानुमति का पिटारा या फिर पेंडोरास बॉक्स। तो इससे जो क्यूरियस कैंडी जेन है वो जा कर के प्रोफेसर बगल के पास जाती है और जा कर के पूछती है कि आखिर ये भानुमति का पिटारा क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं आज के लेसन्स में। सो प्रोफेसर बगल्स टेल मी हु इज अ पेंडोरास बॉक्स। माई फादर कॉल्ड मी पेंडोरास बॉक्स। तो प्रोफेसर बगल से जाकर कैंडी जेन पूछती है, प्रोफेसर बगल हु इज़ अ पेंडोरास बॉक्स, ये पेंडोरास बॉक्स क्या है, मेरे पापा मुझे क्या बोलते हैं, पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं। तभी द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन एंड स्माइल्ड। प्रोफेसर जो बगल्स रहते हैं वो कैंडी जेन की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। ठीक है, अब स्माइल करके फिर वो क्या बोलते हैं, चाइल्ड इट इज़ नॉट हु बट वॉट। क्या बोलते हैं, चाइल्ड बेटा ये क्या है, ये कौन है, ये नहीं, ये क्या है, ये मानो। ठीक है, इसके बाद पूछते हैं, कम एंड सिट विल आई टेल यू अ स्टोरी। चलो आओ यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, मेनी सेंचुरीज एगो ग्रीक बिलीव्ड इन गॉड हु वेयर लाइक मैन बट वेरी स्ट्रांग। क्या दिया गया है, सेंचुरीज पहले क्या दिया गया है, जो ग्रीक्स थे वो भगवानों पर बिलीव करते थे। जस्ट लाइक दैट मैन हम लोग बिलीव करते हैं बहुत स्ट्रांगली, राइट। इसके बाद क्या दिया गया है, दे कुड चेंज देमसेल्फ इनटू एनीथिंग। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, अभी चाहे तो अभी इंसान, अभी चाहे तो अभी कोई भी एनिमल्स में, अभी चाहे तो अभी ट्री बन जाते हैं, किसी भी चीज़ में वो क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते थे, अपने आप को चेंज कर सकते थे। और क्या होता था, मॉर्टल मैन, एनिमल्स, प्लांट, मॉन्स्टर्स, बहुत सारी चीज़ों में वो लोग अपने आप को चेंज कर लेते थे। सर यह सब प्रोफेसर बगल्स किसको बता रहे हैं, कैंडी जेन को। प्रोफेसर बगल्स कहते हैं, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वॉज जीसस, और उनका जो था वो क्या था, जीसस। ठीक है, ही वॉज वेरी एंग्री विथ मॉर्टल, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, खास करके इंसानों के लिए, राइट। बिकॉज दे यूज्ड फायर, क्यों इतना गुस्सा होते थे वो इंसानों पे, क्योंकि वो लोग फायर का यूज़ करते थे। क्या का यूज़ करते थे, फायर का। फायर वॉज स्टोलन, क्या दिया गया है, फायर का यूज़ करते, क्यों, क्योंकि फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम जीसस बाई अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमेथियस। क्या है, जो फायर है वो फायर क्या बोलते हैं, प्रोमेथियस रहते हैं वो, उसको क्या करके रखते हैं वो, उसका कोई दूसरा गॉड रहता है प्रोमेथियस, उन्हीं के पास रहता है जो फायर है वो। ठीक है, तब क्या होता था, तो जीसस ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले। तो जीसस क्या किए, जीसस ने इस गुस्सा के कारण से क्या किए, ऑर्डर दिए कि आप एक वुमेन बनाओ। क्या बनाओ, एक वुमेन बनाओ, वो भी क्ले से। अब ये वुमेन क्यों बनाएंगे, हर नेम वॉज पेंडोरा, और उनका नाम क्या रखने के लिए बोला गया, पेंडोरा, उनका नाम पेंडोरा रखा। एंड सी वॉज सेंट इन टू द अर्थ, और वो जो पेंडोरा थी, जो वुमेन थी जो क्ले से बनाई गई थी, ठीक, तो उनका नाम रखा गया पेंडोरा, और उन्हें कहाँ से आ गया, अर्थ में, हमारे अर्थ में भेज दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही वो पेंडोरा हमारे यहाँ अर्थ में आती है तो आखिर क्या होता है, उसके बारे में आगे हम कैंडी जेन और प्रोफेसर बगल्स के थ्रू जानेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड आल्सो कीप स्माइल। थैंक यू।